अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट ए बी सी एंड टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी सी इन टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा। अब यहाँ पर मैं कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था 1/2। जब हमें दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो था वो हमने यूज़ करना है। तो वो क्या है, 1/2 ए बी साइन गेमा। तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, तीन फार्मूलाज हमारे पास हैं। तो 1/2 ए बी साइन गेमा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन गेमा। तो साइन गेमा विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा, ये ए बी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ए बी, तो साइन गेमा की जगह 2 डेल्टा ओवर ए बी आ जाएगा। सिमिलरली ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फार्मूला यूज़ किया। सिमिलरली दूसरा एक फार्मूला आपने पढ़ा था इसी तरह का, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी इन टू साइन 1/2 बी सी इंटू साइन एल्फा। तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेल्टा बी सी इंटू साइन एल्फा, तो बी सी डिवाइड हो जाएगा दूसरे साइड पे, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओवर बी सी। इसी तरह इसी का तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेल्टा ए सी इंटू साइन बीटा, तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा ओवर ए सी। तो यहाँ से ये साइन अल्फा बीटा और गेमा को हम अलग कर रहे हैं। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी सी साइन अल्फा, साइन अल्फा अभी हमने अलग किया 2 डेल्टा, ये वाला 2 डेल्टा ओवर बी सी, 2 डेल्टा ओवर बी सी प्लस साइन बीटा वो हमने अलग किया यहां पर 2 डेल्टा ओवर ए सी। प्लस साइन गेमा 2 डेल्टा ओवर ए बी। तो अब ये आ जाएगा ए बी सी, 2 डेल्टा ऊपर से कॉमन आ जाता है, रह जाता है 1/BC 1/AC प्लस 1/AB। टू डेल्टा ए बी सी इन टू इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, फर्स्ट वन ए मिसिंग है नीचे तो ए मल्टीप्लाई होगा, 1/AC बी मिसिंग है तो बी मल्टीप्लाई होगा, ए बी तो सी मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर ए बी सी और नीचे ए बी सी इनकी कटिंग हो जाती है तो ये रह जाता है 2 डेल्टा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एस की इक्वल है तो 2 डेल्टा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 एस। अभी याद होना चाहिए, दोबारा मैं याद दिला देता हूँ, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस
सी, तो इस ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 2s लगा दिया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4 डेल्टा s। तो जब ये 4 डेल्टा s आ गया है, तो यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है।